रणगंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वाताब्जं वानरायुधमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। आज फिर से हम अपनी श्रृंखला के रामायण को कैसे अच्छी तरह से गाया जा सके इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही अलग चीज होती है, जैसे हम किसी चीज को पढ़ तो लेते हैं परंतु इसे गाकर लय में ताल में जो आनंद आ सकता है, जो एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, वो देखने ही बनता है। आज हमारे साथ विनीता जी हैं जो कि इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी, और एक लिस्ट बना उन्होंने एक बनाई हुई है कि कौन कौन किस क्रम में सभी एक एक करके वक्ता हैं जो कि गाएंगे रामायण की पंक्तियां और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो विनीता जी को आमंत्रित करूंगा। विनीता जी प्लीज, मंच हमारी। सभी को प्रणाम और सभी को जय सियाराम। किसी कारणवश मैं जो जब ये ओम जी सिखा रहे थे आप लोगों को उच्चारण, वो मैं सम्मिलित नहीं हो पाई थी उस वर्कशॉप में, पर मैंने अभी वाला वीडियो और जो पिछला वीडियो था उसको बहुत ध्यान से मैंने सुना, ताकि वो गलतियां आप लोग ना करें जो ओम जी ने सिखाई हैं आप लोगों को। खैर, ये तो एक हंसी मजाक के लिए बात हो गई। तो हम लोग आज, मेरे पास एक लिस्ट है जिन लोगों ने अपने नाम भेजे थे रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ करने के लिए। तो ये बिल्कुल सच है कि हम रामायण चिंतन मनन पठन पाठन श्रवण सबके लिए है, पर मुख्य रूप से गायन के लिए है, ये गाई जाती है। और वही जो मैंने सुना ओम जी ने भी बताई, भाई गाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ के ही हम गाते हैं। तो बहुत आराम से बहुत प्यार से डूब के पढ़िएगा, क्योंकि गाते समय वो गलतियां आपसे नहीं होंगी जो पढ़ते समय हो जाती हैं, क्योंकि अपने आप हम उस छंद में बंधने लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नाम है उसमें स्मिता लाढ़ावाला जी का नाम है सबसे पहले, और वो कृपया जब शुरू करें तो वो बता दें कि वो रामायण में रामचरितमानस में किस कांड से किस दोहे से आरंभ कर रही हैं, ताकि हम उसको देख सकें कि अपनी बुद्धि के अनुसार नोटिस कर सकें, और जिस उच्चारण में कहीं कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो उसको हम बता सकें। उससे पहले मैं रामचरितमानस का पाठ करते समय जो स्तुति करती हूँ, जो गोस्वामी जी ने करी है संस्कृत श्लोक के बाद अवधि में, उसके साथ में आरंभ करती हूँ, फिर स्मिता जी अपने दोहा संख्या और कांड बता देंगी। आप लोग भी उसको खोल लीजिएगा अपने अपने रामायण में, ताकि आप लोग भी उन शब्दों को खुद से भी मन से पढ़ते रहेंगे, आंखों से पढ़ते रहेंगे, तो आपको भी चेक होता रहेगा कि आप कहाँ सही पढ़ रहे हैं कहाँ गलत पढ़ रहे हैं। तो आरंभ करती हूँ। जो सुमिरत सिधि होई गणनायक करि बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलि मल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करउ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह
करौ कृपा अमर दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय श्री जय सिया राम। मैं अब विनीता जी से आगे ही चालू रखती हूँ। रामचरित मानस बाल कांड पांचवे दो के बाद। जय सिया राम। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी मय चुरन चारु, समन सकल भवरु जप परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उदरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सुजही राम चरित मनी मानिक, गुपुत प्रगट जह जो ही खानिक, जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निदान, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बर्णौ राम चरित भव मोचन, बंदौ प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। जय सियाराम। इसी में हम बताते चलते हैं। तो आपने बहुत सुंदर पढ़ा स्मिता जी। केवल दूसरी चौपाई, अमीय मूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार, इसको मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। अमीय मूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। आप पढ़िए अभी इसको एक बार। अमीय मूरि में चूरन चारु, एक बार आप फिर से पढ़ दीजिए। अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। आपकी गलती अमीय और मूरि मय में हुई थी। अच्छा, ओके। अमीय मूरि मय चूरन चारु, मूरि मय नहीं, मूरि मय नहीं। अब देखिए, हाँ, जब हम लोग गलती करते हैं छोटी ई की मात्रा को बोलने में, तो माँ पे प्रेशर देंगे, जब मुंह पे प्रेशर देंगे तो रि अपने आप हल्का हो जाएगा। अगर हम मुंह पे प्रेशर नहीं देंगे तो वो प्रेशर रि पे जाएगा ही जाएगा। तो मूरी में, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव भय रुज परिवारु। समन सकल भव रुज परिवार, भय नहीं है वहां कहीं पे। हाँ भव, हाँ भव जी। और दूसरी चौपाई आगे बढ़िए आप। हाँ। दोहे से जस्ट ऊपर, दोहा एक से जस्ट ऊपर। सूझही राम चरित मनि मानिक, सूझही, देखिए सू पे हम प्रेशर देंगे तो छोटी जितने भी लघु स्वर है वो अपने आप सही होते चले जाएंगे। सूझही राम चरित मनी मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक। अभी नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे है? दोहा एक से जस्ट ऊपर, दोहा एक से जस्ट ऊपर। फिर से एक बार प्लीज। सूझही राम चरित मनी मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। ओके, मिला मिला। हाँ,
सूझहि रामचरित मन मानिक मनी मानिक गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिक। एक बार फिर से प्लीज पढ़िए। सूझहि रामचरित मनी मानिक गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिक। परफेक्ट। अब इसके बाद नीचे चलिए तो चौथी चौपाई है, इसमें हाँ। आपने पढ़ा था प्रणाम को प्रणाम, जबकि पढ़ना है आपको प्रणाम, और कोई गलती नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब हमारे पास, मैं नाम बोल दूं एक दो ताकि लोग तैयार रहें, जिसका भी नंबर रहेगा, शिव दयाल त्यागी जी, और उसके बाद नीरज गोयल जी। आप लोग अपने अपने आप को अपने पास नोट कर लीजिए, शिव दयाल त्यागी जी, नीरज गोयल जी, सुमन गिरी जी, नीता मेहता जी, इतने लोग अपने को तैयार रखें, फिर हम और नाम बताएंगे। तो शिव दयाल त्यागी जी, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं जी? मैं बालकांड का 276वां दोहा शुरू करूं। बालकांड 276 जी, 276वां दोहा पढ़ेंगे आप कि उसके बाद की चौपाई से पढ़ेंगे? 276 स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, 275 के बाद का, दोहे के बाद का जी, शुरू करिए। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिए आनिए बेवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भगुबर परसु देखावहु मोई, दीप बिचारी बचन रूप दो द्रोही, मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखन निवारे, लखन उतर आहुति सर से, भृगुबर कोप कृषान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल गान। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, कहीं कोई भी त्रुटि नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि जो अब आनी है व्यवहारिया बोली, वो एक क्षेत्र का जो आता है उसमें एक फुट बस उसकी कमी थी, तो उसको हम बोल के दिखा देते। आपने पढ़ा उसे भी सही था। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली, आपने सही पढ़ा था, बहुत सुंदर। इसके पश्चात नीरज गोयल जी। नीरोज सॉरी मैं अयोध्या कांड में जी, 14 जो दोहा है, अयोध्या कांड में दोहा संख्या 14 जी, वहां से पढ़ना है। ठीक ठीक पढ़ो। हाँ पढ़िए। पाने थोरे कुबरे कुटिल कुचाली जहाँ, दिए विशेषी पुनि चेरी कही, भरत माँ तुम सिखानी, प्रिय वादिनी सिख दीन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन हो ही, तो दिनु मंग सुमंगल दायक सोई, तोरी कहाँ पुर जय जिम होई,
जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर पुलरी की सुहाई राम तिलक जो सांचे उकाली देहू मांगु मन भावत आली ओ सल्या तम सब में तारी राम ही सहज सुभाय प्यारी मोह पर कर ही सने विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी जो विधि जन्म दे करी छोऊ ओम राम सिए पूत पुतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोभु कस तोरे भरत सपत तो सत्य कहूं परिहरि कपट दुराओ हरस समय विस्मऊ करसी कारण मोही सुनाओ जी इतना। नीरोज जी आपके पढ़ने में एक ही त्रुटि अधिक है कि आप व का उच्चारण व कर रही हैं। जी ठीक ठीक है आप लोग सब लोग मुझसे बड़े हैं प्लीज मुझे दो थप्पड़ बाद में मार लीजिएगा डांट लीजिए बहुत ही संकोच हो रहा है ये कहने में कुछ नहीं। तो जो दोहा पढ़ा आपने वो दोहे की लय बिल्कुल सही है आपने पॉज बिल्कुल सही लिए हैं काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान ती विशेष पुनिचेरी कही विशेष पुनिचेर जब भी हमें अंत में छोटी ई की मात्रा आती है उसको छोड़ना ये यहाँ पर भी हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश लखनऊ यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं वो गलती होती ही इसलिए है कि छोटी ई के छोटी वाला जो स्वर है उससे जस्ट पहले जो अक्षर होता है अपने स्वर के साथ हम उस पर प्रेशर नहीं देते हैं अगर हम उस पर प्रेशर दे देंगे तो वो छोड़ना आसान हो जाता है क्योंकि जब हम कुछ बात कहा जहां पर शब्द को खत्म करते हैं वहां स्वर एक प्रेशर देता है पर जो लघु स्वर है उसमें प्रेशर ना जाने पाए इसलिए उसके पहले के स्वर पे एक हल्का प्रेशर दीजिए ती विशेष पुनिचे तो जहां हमने विशेष कहा वो अपने आप जो षटकोण वाला स है उसको भी स ही पढ़ेंगे विशेष पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कान बाद वाला आप सही बोल रही हैं बीच वाला आपसे गलत हुआ यही आपने प्रिय बादिनी इसमें वा बोला आपने और छोटी की मात्रा का थोड़ा सा उसमें था पर प्रिय बादिनी सिख दीन ही हूं तो ही सपने हूं तो पर को पुनमोही सुदिन सुमंगल दायक सोई अब ये बड़ी है तो इसको मजे से खींचिए सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुर जही दिन होई आपको बस व में सुधार करना है फिर आपने राम तिलक जो साचे हु काली देव मांगु मन भावत आली देव को आपने देहु पढ़ा देहु कौसल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी फिर मोह पर करही स्नेहु बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी तो छोटी की मात्राओं में आपके त्रुटि आ रही है और वा के फर्क में आप वा पढ़ रही है जो शुद्ध हिंदी का रूप है जो विधि जन्म दे करी छोहू हो राम सिय पूत पुतोहू आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैंने इसलिए आपको गा के दिखा दिया क्योंकि हो सकता है अगर हम सबसे गवाएं तो समय उतना ना रहे फिर भी आप कोई एक चौपाई एक बार अपने आप से पढ़ लीजिए जो विधि जन्म यही पढ़ लीजिए जो विधि जो विधि जन्म दे करी छो राम सिय पूत पुतो जी जी अब सही है हाँ अब सही है सुमन गोयल जी थैंक यू सुमन गिरी हरिओम
हरिओम, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है जी। सुमन गिरी, सुमन गिरी जी, आप जी। कहां से पढ़ना चाहेंगी? मैं सुंदरकांड से शुरू करूं, संस्कृत के श्लोक बोल सकते हैं या चौपाई से शुरू करूं? चूंकि ये अवधि के उच्चारण की क्लास हो रही है तो आप संस्कृत का श्लोक तो हम भी सुधार नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम खुद गलत पढ़ते हैं बहुत सारे जी। आप अवधि जहाँ से आरंभ हो रही है वहां से पढ़िए जी। हरिओम, आरंभ से पढ़ेंगी ना? हाँ, जामवंत के वचन सुहाए वहां से शुरू कर जी। जी और मंगल भवन बोल सकते क्या? संपुट, संपुट मत बोलिए। नहीं ठीक है जी। ओके। हरिओम, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो उसी तही देखी, हुई है काजू मही हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबन कौ माथा, चले ओ हर्षि ही अधरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले उ हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं ना कहो इशमहारी, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम यही ने कह माता, पठै नयाय कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तो बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कवन उजतन दे ही नहीं जाना, ग्रस सिन मोई कहो हनुमाना, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोर जो जन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघ रूप पवन सुतलीना। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। आपकी जो दूसरी चौपाई थी आप वहीं पर पहुंच जाइए जहां से आपने आरंभ किया था, जामवंत के वचन सुहाए। हाँ, ये बिल्कुल सही पढ़ा। दूसरी चौपाई जो है, तब लखि मोहि परखे हु तुम भाई, यहाँ पे बहुत छोटी सी त्रुटि थी, र की छोटी की मात्रा का उच्चारण नहीं हुआ था। तब लगी मोहि परखे हु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, परखे हु बोला था आपने, बहुत छोटी सी त्रुटि है, बहुत हल्के से अभ्यास से दूर हो जाएगी। फिर आपकी जो मुख्य त्रुटियां हो रही थी वो षटकोण वाले श की हो रही है जी, क्योंकि मुझे लगता है आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है और आप अवधि में ये भूल जाइए कि श शब्द का उच्चारण भी है जी। तो जब आप संस्कृत के श्लोक पढ़िए तब वहां पर उनको खूब शुद्ध उच्चारित करिए, पर जैसे ही आप अवधि में आते हैं, चौपाई, दोहा, सोठा इत्यादि, तो आपको श दिख रहा है आंखों से पर उसको मुंह से नहीं निकालना है जी। बोलना तो हमको उसे ख चाहिए,
वही बोलते हैं, मतलब जैसे अवधि अवधि के उच्चारण का जो ढंग है उसके अनुसार ख बोलना चाहिए, पर ख बोलना हर शब्द में संभव नहीं होता है। हम विभीषण को विभीषण कभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सुन इतना रखा है विभीषण, तो बेहतर है कि हम विभीषण विभीषण बोल दें, श को ना उच्चारित करें। तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई काजु मोहि हरस बिसेखी, क्योंकि देखी है तो हमें यहाँ बिसेखी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि आपने होई ही को बहुत अच्छा उच्चारित किया, उसके पश्चात है यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चले वो हरस ही अधरी रघुनाथा, तो हरस ही पढ़िए उसे, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं तो थोड़ी त्रुटि आपने भी वाह की करी, वही शुद्ध बोलने की जो हमारी आदत होती है। हम ये मान के चले कि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो मंत्र हैं, तो जिस प्रकार संस्कृत के श्लोक का अगर अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो मंत्र प्रभावी नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो एक हर अक्षर का एक अंक भार होता है, जो अंक भार, जो हम लोग छंद भार पढ़े हैं वो तो अलग चीज हो गई, जो अंक भार होता है वो बदल जाएगा तो मंत्र का प्रभाव बदल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि उसको अवधि, जो तुलसीदास जी ने कौन सा अंक भार सोच करके ये मंत्र रचा होगा, तो आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे उन्होंने लिखा है। तो ये है जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो ही। अब क्या फंस जाते हैं हम लोग, श्रमहारी, कि यहाँ तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है श्रमहारी, तो सुंदर होगा अगर वो श्रमहारी लिखने के बाद भी हम श्रमहारी पढ़े, श्रमहारी पढ़े। पर फिर भी यदि हम उसको श्रम पढ़ जाते हैं तो उतना दोष मेरे विचार से नहीं है, क्योंकि वो लिखा गया है श और रा को संयुक्त अक्षर में, लेकिन जो षटकोण वाला शा है उसे हम ख नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम स अवश्य पढ़े। फिर आपने यही जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि बिसेखा, जहां राइमिंग है वहां तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि षटकोण वाले शा को श पढ़ना है, हमें खटकोण वाला खा समझ करके उसे पढ़ना है। बहुत सुंदर आपका रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला नाम है वृष्टि दुबे जी का, और उसके बाद प्रेम लता माहेश्वरी जी तैयार रहे। तो वृष्टि दुबे जी, आप कहाँ से पढ़ना चाहेंगी? जय श्री राम। मैम बालकांड 283 दुर्भाग्य की बात से पढ़। बालकांड 283 जी हाँ। सभी लोग अपने अपने रामचरितमानस में 283 दोहा खोल लें जी। देवधनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक होई बलवाना, जौरन हमही पचारो हो, लरई सुखेन कालु किन हो, क्षत्रिय तनुधरी शमर शकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना, कहो शुभावना कुल ही प्रशंसी, कालहु डरही ना रन रघुवंशी, विप्रवंश के अशि प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरी पटल पर शुधर मति के, राम रमापति कर धनु लेहू, खेचहु मिटै मोर संदेहु, देत चापुआ पही चल गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोली वचन हृदय न प्रेम मात।
करती है। बहुत सुंदर वृष्टि जी, आपने पढ़ा देव धनुज भूपति भट नाना सम बल अधिक हो बलवाना। पहली त्रुटि हो ही थी हो ही बलवाना, वो मुझे लगता है कभी कभी देखने में हो जाता है, वो ऐसी गलती नहीं है जो शायद आप पढ़ते समय करेंगी। फिर भी देव धनुज भूपति भट नाना सम बल अधिक हो बलवाना। आगे आपने पढ़ा हम ही को, आपने पढ़ा हम ही, इसको ऐसे पढ़ेंगे वही छोटी की मात्रा वाला, जोरन हम ही पचार को लरही सुखेन कालु किन हो। तो हम ही पढ़ेंगे जो मैंने भी पिछले उसमें भी बताया। आपकी जो मुख्य त्रुटि हो रही थी वो स और श को लेकर के हो रही थी, आप जहां पर स है आप वहां पर भी श पढ़ रही हैं, जबकि जहां इसमें श हमें बोलना ही नहीं है, बहुत कम जगह श को बोलना पड़ सकता है। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना कुल कलंक तेहि पावर आना, कहाँ सुभाउ न कुल ही प्रशंसी, समझिए प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। रघुवंशी में आपने वो त्रुटि नहीं करी, उसको आपने सही पढ़ा। अब विप्रबंश, विप्रबंश कै असि प्रभुता, ये सब आप श पढ़ रही थी। अभय होई जो तुम ही डेराई, सुनि मृदु गुड़, सुनि को भी आपने सुनी पढ़ा, गुड़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मति के। फिर तेत चापु आपु ही चली गयो, आपु ही तेत चापु आपु ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। देखिए शुद्ध शब्द है विस्मय, पर तुलसीदास जी ने लिखा है विस्मय, तो हमें सा को पूरी तरह से बोलना है और व नहीं बोलना है। परशुराम मन विस्मय भयो, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। ये जरूर सुन लीजिए, इससे मैं थोड़ी दुखी रहती हूँ कि हिंदी की वर्णमाला में फ जैसा कोई शब्द अक्षर अक्षर है ही नहीं। ह के नीचे जब नुक्ता लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, तब वो कहलाता है फ। ये उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में, हिंदी में पा फा बा भा मा हमने बचपन से पढ़ा, हमने कभी पा फा बा भा मा नहीं पढ़ा। लेकिन 99% लोग अब फिर कहना छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं फिर हम गए, फिर जैसा कोई शब्द है ही नहीं, फिर हिंदी का शब्द है। दूसरा फल फूल, फल फूल कुछ होता ही नहीं है, फल फूल। तो फ को जरूर अच्छा करिए, कानों को बहुत चुभता है। तो प्रफुल्लित नहीं, प्रफुल्लित, फ बोलने की प्रैक्टिस करिए। जोरी जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। बचन, वचन पढ़ा था आपने, बस यही कुछ कुछ आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आगे अब प्रेमलता महेश्वरी जी। मैं सुंदरकांड का दोहा नंबर 5 से शुरू कर, दोहा संख्या 5, 5 सभी लोग खोल लें, सुंदरकांड दोहा संख्या 5। रामायुत अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय, लंका निचर निकर निवासा इहां तहां सचन कर बासा, मन महु तरक करई कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एही सतह एही सन हटि करयउ पहिचानी, साधु ते होय न कारज आनी।
विप्र रूप धरि वचन सुनाई सुनत विभीषण उठित आई करि प्रणाम पूछी कुसुलाई विप्र कहौं निज कथा बुझाई की हकि तुम्हारि दासन महकोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आय हूँ मोहि करन पड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरि गुण ग्राम सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिमि दस नहि महु जीव विचारी तात कबहु मोहि जानी अनाता करि हहि कृपा भानुकुल नाता तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माई अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसु हटि दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहौं कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना प्रात लेइ जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सुंदर प्रेमलता जी बहुत छोटी छोटी त्रुटियां हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई नव तुलिसका बृंद तहा देखी हरस कपिराई। बरनी को आपने बरनी पढ़ा था, छोटी की मात्रा की त्रुटि थी। तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसिका बृंद तहा देखी हरस कपिराई। इसका उच्चारण ऐसे होगा। फिर आप चौपाई आगे बढ़िए तो चौथी चौपाई पर आइए। एहि सन हठि करि हऊं पहचानी। ये कितना सुंदर है, करि हऊं पहचानी। हा भी है, ऊ भी है, कभी हहु हो जाता है, कभी दोनों हा हो जाते हैं। साधुते होइ न कारज हानि, हो ही नहीं, आपने होए पढ़ा था। साधुते होय न कारज होय। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, आप में भी वही व और बा का त्रुटि हो रही थी बस। सुनत विभीषण उठि तहां आए करि प्रणाम, प्रणाम बोला था आपने, वही शुद्ध बोलने की जो शुद्ध हिंदी का जो उच्चारण है वो हम लोगों की जुबान पर इतना चढ़ा हुआ है कि हम दिमाग से पढ़ लेते हैं, आदत से पढ़ लेते हैं, आंख से नहीं पढ़ते हैं। हमें आंख से पढ़ने की आवश्यकता है। आंख जो देख रही है उसको दिमाग तक पहुंचाइए और वो जुबान से कहिए कि उसे निकाले, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो कंसंट्रेशन बनेगा आपका, आप ध्यान अवस्था में चले जाएंगे, आपका कनेक्शन हो जाएगा पाठ से। आदत को छोड़ना ही तो ध्यान है जो हम करते चले आ रहे हैं। तो ये बस ध्यान को वहां पर लगा देना है तो आदत जो चढ़ी हुई है जुबान पे उससे मुक्ति मिल जाएगी। कि तुम हरिदासन महकोई मोरे। कितना सुंदर हो जाता है मोरे हृदय, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाड़ से कोई ये बात कह रहा। कि तुम राम, आपने बोला कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। राम बहुत हल्के से, आयहु मोहि करन बड़ भागी। इसके बाद सुनहु पवन सुत रहनि हम, आपने छोटी की मात्राएं बहुत सही बोली है, बहुत कम त्रुटियां मुझे मेरे कानों को सुनाई दी। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिम दस नहि महु जीभ विचारी। फिर एक गलती होती है री की मात्रा की,
अगली चौपाई में देखिए, तात कबहु मोहि जानिया नाथा करी हही कृपा भानु कुल नाथा। कृपा, ये हम समझ सकते हैं गुजरात में इसको कृपा ऐसे करके बोलते हैं, इसलिए ये त्रुटि हो जाती है, पर हिंदी के अनुसार कृपा है। क्यों कृपा बोलना है हम? अगर हम कृपा बोलेंगे तो आगे ही देखिए एक चौपाई है, जौं रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो अनुग्रह और ग्रह और गृह दो दो शब्द होते हैं, ग्रह और गृह। तो अगर हम एक ही जैसा बोलेंगे तो एक गृह होता है जिसके माने घर होता है, और एक ग्रह होता है जिसके माने अंतरिक्ष में जो हमारे नव ग्रह होते हैं। तो अगर हम अलग अलग नहीं बोलेंगे तो वो एक ही बन जाएगा, और पता चला हम घर की शांति कर रहे हैं और ग्रहों की अशांति हो गई। हम ही ने बोल दिया ना वैसा, हम एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपके घर में कोई अशांति हो जाए। तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहिं। कृपा कहते ही जैसे लगता है कृपा तो हो गई, बिनु हरि कृपा मिलहि सॉफ्ट हो जाता है, नहीं संता रघुबीर जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। अब यहाँ पे जौ रघुबीर अनुग्रह ये नहीं करना है कि हमने उधर वो प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ भी उसको लगा दिया। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा। यहाँ बस आपका विभीषण में थोड़ा सा त्रुटि थी, बाकी बहुत सुंदर था। मेरे पास जो नाम आए हुए हैं उसमें से सभी लोग पढ़ चुके हैं, और अभी यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो पाठ करना चाहते हैं, जिसमें से एक नाम मेरे पास ज्योत्सना जी का आया था, ज्योत्सना सिंह जी, और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, विभा श्रीवास्तव और दीपा दीक्षित जी अगर हो, इन्होंने नाम भेजे थे। तो पहले ज्योत्सना जी, विभा जी और रीता जी एक कुछ पूछ सकते हैं बीच में? हाँ बिल्कुल जी। अगर अभी अभी दोहा में पांच में है, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बृंद तह देखी हरख पढ़ेंगे या हरश कपीरा। देखिए आप हरख पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है, अगर हरख पढ़ेंगे तो, पर आप इसको पढ़िए, इस दोहे को आप गा के पढ़िए, आपने बहुत त्रुटियां हुई हैं जब आपने इसको ऐसे प्रोज की तरह पढ़ा, अब इसको जरा काव्य की तरह पढ़िए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बृंद तह हरश देखी हरश कपिराय। देखिए हरख पढ़ना मुश्किल बहुत है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अवधि का प्रभाव इतना खत्म हो चुका है कि हम लोग खर बोलना बिल्कुल भूल चुके हैं। तो बेहतर हाँ। होगा कि आप हरस पढ़िए, हरश ना पढ़िए, हरस पढ़िए। और जब आपने गाया तो बरनी का दोष नहीं हुआ, आपने बरनी को सही पढ़ा, गृह सही पढ़ा, पर गृह में हा को आपने थोड़ा ज्यादा ज्यादा प्रेशर दे दिया, बाकी बाकी आपने ठीक पढ़ा। जो दोष आप बताने में पढ़ने में कर रहे थे वो गाने में नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहा जब आप गाएंगे तो बहुत सारे दोष अपने आप खत्म होते जाएंगे, क्योंकि वो जो लय है वो खुद तय कर लेगी कि यहाँ पर क्या उच्चारित होना है, कितनी हमारे इस गायन के छंद में कितनी जगह है, उतना ही वो स्वर उसको प्रदान करेगा। तो और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, शिव भाई देखते रहिएगा, अगर कोई लोग चैट बॉक्स में नाम डाल सकते हैं या ऐसे ही हाथ उठा के बोल सकते हैं। तो ज्योत्सना जी आप बताइए कहाँ से आप पढ़ना चाहती हैं? मैं सुंदरकांड का 17वां दोहा पढ़ रही हूँ जी। शुरू करो। हाँ जी। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ, रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। चले उनाए सिर पैठो भागा, फल खायस तरु तोरे लागा,
रहे तहां वो बठ रखवारे, कुछ मारिस कुछ जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल और विपट उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिदारे। सुन रावण पठे भट नाना, तिन्हें देख गर ज्यो हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ अधमारे। उन पठ्यो तो ही अच्छ कुमारा, चला संघ लय सुबट अपारा। आवत देख विपट गहि तर जा, ताहे निपाति महा धुनि गर जा। कुछ मारिस कुछ मर्दिस, कुछ मिलेस धरि धूर। कुछ पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। जय सियाराम। ज्योत्सना जी, आपके में जो मुख्य त्रुटि हो रही है वो कुछ की हो रही है, कछु है। कछु कछु है, आपने हर जगह कुछ, वही मैंने कहा ना, आंख आंख को आदेश दीजिए, वो देखे कछ जाए। कुछ बोलने की प्रैक्टिस है हम लोगों को, क्योंकि कुछ बोला जाता है हिंदी खड़ी बोली में, तो हम देख के भी हम उसे, हमारा मुंह उसे कुछ ही बोल रहा है। तो आपके दोहा में देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे उ जानकी जाहु। जानकी 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 नहीं, अंग जानकी की बिंदी, बिंदी है तो वो बिंदी रखी गई है, तो कुछ सोच के रखी गई है। रघुपति चरण हृदय धरी, सात मधुर फल खाहु। फिर आपकी बिंदु की गलतियां ही रही हैं, हलखाए सितर तोरा ही लागा। एक चीज और बताना चाहेंगे, किसी ने पाठ किया था, उन्होंने ए की मात्रा ओ की मात्रा का बहुत सुंदर उच्चारण किया था, जैसा अवधि में होता है करई, पर उसको इसलिए इतना हम यहाँ पर नहीं टोक रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को वो आई करके बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर हम करें भी बोल रहे हैं तो भी सही माना जाएगा, हालांकि अवधि में उसे बोलेंगे। चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरई लागा। तोरे भी सही है और तोरई भी सही, क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा ही लगी है, यहाँ रा और ई लिखा नहीं गया है, पर संस्कृत से ज्यादा करीब है अवधि। तो जिस तरह से संस्कृत के उच्चारण होते हैं ए की मात्रा के, उस तरह ही अवधि में होते हैं। आगे आपका जो कछु है उसी को आपको सुधार लेना है। और नाथ एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी। वाटिका नहीं, वाटिका। खाए सिफल, फिर आपने फल बोला, खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक ये सही पढ़ा आपने। फिर सुनी रावण पठाए भट नाना, पठाए को भी कितना साफ बोलेंगे, एक एक सुनी रावण पठाए भट नाना। तिन्ह ही दे, तिन्ह ही नहीं, तिन्ह ही दे गर ज्यो हनुमाना। फिर ऐसे ही पुनि पठयऊ तेही अच्छ कुमारा। पठयऊ चारों अक्षर जो लिखे गए हैं उनको साफ साफ पढ़िए। पुनि पठयऊ तेही अच्छ कुमारा, चला संग लई सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तर जा, बिटप बिटप नहीं, फिर कछु की गलती की है आपने और सब सही है। तो फा और कछु ये एक दो सुधार आपको करने हैं। इसके बाद कौन पढ़ने आ रहा है? आदर्श शर्मा। हम पढ़े। जय सियाराम। जय सियाराम जी। मैं आदर्श शर्मा, मैं पढ़ना चाहता हूँ जी। पढ़िए। हाँ हाँ, मैं केवल एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछे सुनीति जी। ये जो सुंदरकांड का 6 नंबर का दोहा है, उसके बाद की चौपाई में, हाँ,
ये दस नन जो लिखा है ये पढ़ना नहीं आ रहा है। दस ननी, दस ननी, दस ननी, दस नहीं, नहीं आधा ना नहीं आ रहा है। दस ननी, दस नन्ही, दस नन्ही, पहले आप बोलिए नन्ही, नन्ही, नन्ही नन्ही बोलना आता है ना, नन्ही नन्ही, हाँ अच्छा नन्ही करके दस नन्ही, तो नन्ही पर दस नन्ही नहीं है, दस नन्ही, तो जब आप ना पे प्रेशर दे देंगी, दस नन्ही, ना पे पूरा ना है उस पर प्रेशर दे देंगी तो हाँ का स्वर छोटा हो जाएगा, दस नन्ही, बोलिए दस नन्ही, हाँ शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए जी आदर्श जी, आप कहाँ से पढ़ेंगे? मैं बहन जी किष्किंधा कांड का 29वां दोहा पढ़ूंगा, किष्किंधा कांड दोहा नंबर 29, 29 जी जी पढ़िए। पढ़ू मैं? जी जी चलिए। बलि बांधत प्रभु बाड़े ओ सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी में दीनी सात प्रदक्षिणी धाए, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कहूं फिर ते बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पटहि किमि सब ही कर नायक, कह रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो भलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद करि बारहु बारा, लीलहि नादहु जलनिधि खारा, सहित सहाय रावण हि मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतिक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संघार निश्चर, राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनु नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरार, काम कोट शोभा अधिक नीलोत्पल तन श्याम, जासु नाम वग खग बधिक सुनहि तास दुगुन ग्राम। जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत सुंदर पाठ किया आपने, बड़े खुश हो रहे थे हम, बहुत खुश हो रहे थे, परंतु आते आते आपने मेरी खुशी काफूर कर दी। बहुत काफूर हुई। आते हैं, शुरुआत करते हैं, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, आपका जो मुख्य त्रुटि हो रही है वो कहई, जो कहई छोटी ई है वहाँ ह नहीं है। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु हिरती बारा, कछु में आपने क्या गलत बोला था वो मैं थोड़ा भूल गई, फिरती बारा यहाँ पे कुछ संशय कछु फिरती बारा, हाँ कछु कछु, इसको तो हम कछु के अलावा कुछ बोल नहीं सकते। अभी 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 आपने सही बोला, हो सकता है कुछ सुनने में मुझसे हो गया हो फिर। कामवंत कह तुम सब लायक, पठाई किम सब ही करना है, थोड़ा सा ये जो का यहाँ पर ये जो जहाँ पे ई के आगे आ जाता है वहाँ थोड़ा गलती होती है, पठाई पठाई हो गया और किमी शायद आपने किमी बोल दिया था, कुछ छोटी की मात्रा में थोड़ा सा। हाँ, आगे बढ़ती है तो पवन तनय बल पवन समाना, आपने भी वा और बा का भेद खत्म कर दिया था, पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई हो ही नहीं, जो नहीं होई तात तुम्ह पाही। तुम है तो हा भी बोलना, आपने बोला था वो हम नहीं कह रहे हैं, आपने होई को होई ही पढ़ रहे हैं। फिर उसके अच्छा, बाद का कारण थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो नहीं होए ये होई नहीं। हाँ, होई है, पढ़ा आपने शायद, होए पढ़ा था। हाँ, जी, जी। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ना चाहिए? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। होई लिखा है, होई तो पढ़ा हमने बहन जी। चलिए पढ़ा होगा शायद, मुझे होए ऐसा लगा कि आपने। ना, ना, ना। होई तो हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी मातृभाषा में होए करके कोई वो नहीं है। चलिए खैर ठीक है, हो सकता है आप कह रहे हैं तो। और हाँ, अगर कभी किसी को हम वो कर दें तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सुनने में ये जो होता है इसका स्पीकर, उससे सुनने में भी कभी कभी बहुत स्पष्ट। आपका आंदोलन बिल्कुल सही है। पर्वताकारा में जी, पर्वताकारा वही शुद्ध बोलते हैं, पर्वताकारा। फिर उसके बाद सिंहनाद करी बारही बारा, ली लही नाघौ जल निधि खारा। छोटी छोटी सी इसमें कुछ त्रुटियां मुझे सुनाई दे रही। ये हमने ये जो नाघौ आप बोल रहे हैं इसको हमने शायद नाधौ बोल दिया होगा। हाँ, धा बोला था। अब हमने कहा हो सकता हमने धा सुना हो, आपने घा बोला हो। नहीं नहीं नहीं, जहां मिस्टेक ये बहुत ऑब्वियस मिस्टेक मैं करता हूँ, मैं ये जो है ना सुंदरकांड निरंतर करता हूँ और ये मिस्टेक मैं खुद अपने आप को समझता हूँ कि ये मिस्टेक हो रही है, सुधार नहीं पाता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में करते हैं। आदर्श जी, इसको आप अवश्य सुधारिए, ये मतलब मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि नाघना शब्द का अर्थ ही बदल जाता है जब आप वहाँ पे धा बोलते हैं। नाधना कुछ है ही नहीं, और नाघना का मतलब होता है किसी चीज को लांघ जाना, पार कर जाना। हाँ हाँ हाँ, तो उल्लंघन लांघने वाला आएगा ये। हाँ, लांघने वाला नाघना है ये, बहुत ही देशज शब्द है नांगना। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक बताया। राव नहीं मारी आनौ यहाँ त्रिकूट उपा, त्रिकूट त्रिकूट को भी तो कुछ था, मुझे अब याद नहीं है क्या था। जामवंत मैं अंडरलाइन करती जा रही थी बस, जहाँ मुझे थोड़ा समझ आ रहा। जामवंत मैं पूछू तो ही उचित सिखावन दी जहु मोही। फिर सीता ही देख कहु सुधि आई, यहाँ शायद ऊ या हु का कुछ फर्क पड़ा था। फिर तब निज भुज बल राजीव नैना, बिल्कुल सही था। कौतुक लाग संग कपि सेना, हाँ आप सेना को सेना पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौतुक लाग संग कपि सेना, सेना। हाँ हाँ, जैसे राजीव नैना तो आपने राइमिंग कर दिया सेना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बहुत ऑब्वियस मिस्टेक है क्योंकि वहां पे नैना है तो यहाँ सैना कर दिया हमने। तो वो लय में अपने आप से हम तैयार हो जाते हैं नैना को राइम करने के लिए। तो ठीक है, यही आपने फिर तब मैंने सोचा शायद अब आप नीचे ना करें ये गलती, क्योंकि यहाँ तो राइमिंग की वजह से हो गई, पर आपने कपिसेन में भी कपिसेन ही बोला। अच्छा, कपिसेन संघार। इसमें बहुत कम त्रुटियां थी छंद में, सेन को सैन बोला था, और पावई और गावई को आपने ह का साउंड दिया था, पावई। अच्छा, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। हाँ, ई है पावई। अच्छा फिर त्रिसरारी में भी कुछ त्रुटि हुई थी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिसरार। अब आ जाते हैं मुख्य, हम सोच रहे थे कोई तो सोरठा पढ़े, कोई तो सोरठा पढ़े। बहुत धन्यवाद कि आपने सोरठा पढ़ा। तो सोरठा को तुलसीदास जी लिखते हैं, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग अधिक। तो आपने सोरठा को दोहा बना दिया, आपने पढ़ा काम कोटि शोभा अधिक नीलोत्पल तन श्याम जासु नाम अघ खग अधिक सुनियता सुगुण ग्राम।
तो सोरठा को सोरठा ही रहने दे करके हमें पढ़ना है। अच्छा, अगर अच्छा, हमको वहां पर ठहराव की जगह ढूंढनी है तो फिर काम है आपकी आंखों का। आप आंख से सोरठा की पहली लाइन देखिए और खट से नीचे देख लीजिए कि उसका राइमिंग वर्ड है कहाँ। जहां नीचे फट से दिख जाएगा, जहां उसका राइमिंग वर्ड नीचे बीच में मध्य में, वहीं आपको पॉज लेना है। नीलोत्पल तन श्याम, अब श्याम के नीचे ग्राम, तो श्याम पर लेना है हमें हल्का सा विराम। मेरी तो कविता बन गई आपकी, खैर बिल्कुल समझ गए। अभी मैं श्याम यहाँ पॉज लेके काम को शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासुनाम अग खग बधिक। सोठा जहाँ पर तुलसीदास जी ने डाला है उसके विशेष कारण है, हम लोग उसकी चर्चा न करनी है आज न करेंगे। जी जी जी, नहीं 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 करेंगे तो, और हमने इसको त्रुटि को सुधार लिया है तो हम ऐसे गाते ऐसे गा जो आपने बताया जी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, सुनई तास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। कितना सुंदर तो, लग रहा, कितना सुंदर लग रहा सुनने में। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसे लिखना होता तो वो दोहा का दोहा खा लिख देते, पर दोहा का और तीस खा में सोरठा लिखा गया तो बहुत सुंदर है। अभी हम विभा जी दिख रही थी, विभा जी ने पढ़ने के लिए मुझे संपर्क करके कहा था, ये लोग आज ही जुड़े हैं तो इसलिए इनको ज्यादा पता नहीं है। जी विभा जी, आप कहाँ से पढ़ना चाहती हैं? जब शिव भैया समय हो जाए तो बता दीजिएगा। सुंदरकांड में 29 से 29 तो भी अच्छा है, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। जी जी पढ़ूं? जी जी। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नात अब कुशल देखि पद कंज। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नात करहु तुम दाया। ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई फिर जय बिनई गुण सागर, तासु सुजस तह लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। नाथ पवन सुत की जो करनी, सहसा मुख न जाई सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूं तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वपान की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत ते, जाहि प्राण के बाट। जय सियाराम। बहुत अच्छा पढ़ा विभा जी आपने, बस आप चंद्र बिंदु की त्रुटियां कर रही हैं। चंद्र बिंदु का जो उच्चारण आना चाहिए नाक के साथ, बस वो नहीं आया। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। पूछी जी, ये हिंदी से क्योंकि फर्क है इसलिए इसको पूछी कहते हैं। और सोई बिजई में, आप हमें लगता है आप शायद जुबान खाली लड़खड़ा गई थी आपने, बिरजई है ना जी, वो जी, हमें नहीं लगता है कि वो गलती आप करती होंगी। और फिर वही जो उसके बाद की चौपाई है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, तो थोड़ा अवधि ना थोड़ा रेड़ के बोली जाती है जी, तो उसको आप रेड़ेंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ेगी। आपने की बोला है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हम ये सुफल। आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा लगा सुन के। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसहु सहसहु मुख न जा, वही चंद्र बिंदु की। और यही सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही अलाए ही अलाए। और सब सुंदर पढ़ा आपने,
और कोई ऐसे भैया कितना समय है हमारे पास? हम केवल दो ले सकते हैं हमने जी, और इनमें नाम जो दिए हुए थे सरिता श्रीवास्तव जी हैं, काशीनाथ मिश्रा जी हैं। अच्छा सरिता जी आप पढ़िए। मेरा नाम आ रहा सुंदर कांड में ही 59 दोहे से जी। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए, जेह विधि उतरे कपि कटक तात सुकह हो पाए। नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषिया सिख पाई। तिनके परस किए गिर भारे करि है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धर प्रभु प्रताई करियो बल हनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाइए जेहि यह सुजस लोक तिहु गाइए। एहि सन मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा तुर तहि हरि राम रन धीरा। देखि राम बल पौरख भारी हरखि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा चरण बंदि पाथो दिसि धावा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपत ही यह मत भायो। यह चरित कल मल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संसय समान गवन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आसु भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर सरिता जी, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां रही, जैसे उपाय को उपाय पढ़ा आपने जो शुद्ध शब्द है उपाय, जबकि दोहे में है कि जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहहु उपाय। उसके पश्चात चंद्र बिंदु वाली ही त्रुटियां आपके में थोड़ी हैं। तिन्हके परस किए गिरि भारे तरी हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। बिंदु वाली त्रुटियां आप नहीं कर रही हैं, चंद्र बिंदु वाली है। ये अक्सर होती है लोगों से, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की और चिंता करने की बात नहीं है। आपने इतना सुंदर खा का उच्चारण किया कि मतलब मन प्रसन्न हो गया। हमसे भी ये त्रुटि जबकि होती है। आपने पढ़ा देखि राम बल पौरुख भारी हरखि पयो निधि भयो सुखारी, बहुत सुंदर लग रहा था सुनने में। फिर जब हम छंद पर आए तब निज भवन गवने उस सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायो। पति में तक एक ही मात्रा छूट गई, गाते समय हो जाता है, पढ़ने में नहीं होगी ये गलती, क्योंकि रघुपति शब्द के हम लोग आदि हैं बोलने के। फिर यह चरित में आपने कर दिया चरित, रा में बड़ी की मात्रा का उच्चारण दे दिया। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। चरित एक बार पढूं क्या? पढ़ दीजिए, अभी किसी और को भी पढ़ना है सुन लीजिए, फिर आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी 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 जी। सुख भवन संशय समन दवन। अब आपने ऊपर इतना सुंदर षटकोण वाले शा का खटकोण वाला खा पढ़ा, पर विषाद जब आया तो विषाद न करके आपने उसे विषाद कर दिया। कोई बात नहीं, चलता है, आप इसको सुधार लेंगे। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस, आपने आसु कर दिया आस भरोस। सुनहि संतत सठ मना, और सब आपने अच्छा पढ़ा, शुद्ध पढ़ा। दूसरा नाम इसके बाद आपने किसका बताया? जी मैं बोल रहा हूँ, काशीनाथ मिश्र।
नमस्ते काशीनाथ मिश्रा जी। मैं दोहा संख्या 35 सुंदरकांड में से ऊपर एक छंद ही है, छंद से प्रारंभ कर रहा हूँ जी। जी दोहा संख्या 35 से ऊपर जी। चिकरहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे मन हरस शव गंधर्व शुर मुनि नाग किन्नर दुख करे कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही सहि सकन भार उदार अहि पति बार बारहि मोहि गण दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जनु कमठ खर पर शर्प राज सुलिखत अबिचल पावनी एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिबी उहां निशाचर रहहि सशंका तब ते जारी गयो कपिलंका निज निज गृह सब करहि बिचारा नहीं निसिचर कुल केर उबारा जासु दूत बल बरनी न जाई ते ही आए पुर कवन भलाई दो तीन सन सुनी पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी रहसि जोरी कर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी कंत हरख हरिशन परिहरहूँ मोर कहात हित धिय धरहूँ समुजत जासु दूत कई वरण करनी शवहि गर्भ रजनी चरध घरनी तासु नारी निज सचिव बुलाई पठबहु कंत जो चहु भलाई तब कुल कमल विपिन दुख दाई सीता सीत निशा सम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है कितन तुम्हार शंभु अज किन्ने राम बाण अहि घन सरसि सरिस निकर निशावर भेक जब लगि ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजि टेक सियावर राम जय जय राम। बहुत सुंदर काशीनाथ जी, आपने बहुत सुंदर छंद पढ़ा। चिक्कर ही दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर। आपके में एक ही त्रुटि जो ज्यादा हो रही थी वो थी आप स को भी श पढ़ रहे थे, ठीक है? शायद ज्यादा कॉन्शियस हो गए पता नहीं क्यों, तो जहां पर स है आप वहां भी श पढ़ रहे थे। जैसे मन हरस सब गंधर्व पढ़ा था आपने, जबकि यह मन हरस सब गंधर्व, या तो वो बगल में उसके श था उससे कंफ्यूजन हुआ पहले हमें लगा, पर फिर ये रिपीट हुआ बार बार। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, आपने पढ़ा कौशल नाथ। सहिसक, सहिसक में क्या हुआ था मुझे शायद बड़ी की मात्रा लगा दी थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा। गह दसन शाह का ही, हाँ शाह का ही, सहिसक, हाँ शाह लगा रहे थे आप वहां पर भी।
सही सकन भार उदार अहि पति बार बार ही मोहि गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ। अब पृष्ठ जैसे आता है तो पृष्ठ में बड़ा मुश्किल होता है पृष्ठ बोल पाना, पृष्ठ स कर पाना, तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पे हम श और स का भेद बहुत कठिन हो जाता है करना। रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावन, ये सब श के दोष हो रहे थे। जनु कमठ खर पर सर पर आज सुलिखत अभी चल पावन। अब जैसे खर पर है तो खर पर में अगर हम खर पर ऐसे बोल देंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पे खर पर रा का साउंड बहुत कम देना है। यही विधि में आपने शायद, आप इसको फिर से पढ़िए दोहा। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर थी। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहां तह लागे खान फल भालू विपुल कपिबीर। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, आगे भी वही रही आपके निशाचर और उसके बाद निज निज गृह सब करें, ये बहुत सुंदर आपने गृह शब्द को बहुत सुंदर पढ़ा। री भी सही, चंद्र बिंदु भी सही, निज निज गृह सब करही बिचारा, बहुत अच्छा उच्चारण किया, बहुत स्पष्ट हो जाती है। हमारा जो मदर टंग है वो मैथिली है, उसका टंग बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ ताल की उच्चारण है वहाँ होना स्वाभाविक है, तो वो अभ्यास में बैठा हुआ है जी, तो ये जी। बहुत अंतर नहीं कर पाते और लेकिन आप बोल लेते हैं, आपने कई जगह उसको सही पढ़ा है, आपने कई जगह सा को सा पढ़ा है, तो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो सा सा का सा पढ़ पाएंगे, सा को सा नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने सुने वो शब्द जहां पर आप उसको सही भी पढ़ रहे थे, जैसे दू तीन सन सुनिपुर जनबानी, इसमें आपने नहीं करी थी वो गलती। फिर आगे रहस्य जोर कर पति पगलागी बोली बचन नीति रस पागी, बिल्कुल सही पढ़ा। कंत करस हरि सन परिहरो, यहाँ पे वही जो आपके हो रहा है वही त्रुटि हुई थी बस, और ही हमें चंद्र बिंदु का थोड़ा सा रह गया था उच्चारण, बाकी और कोई आपके इसमें इतना नहीं था कि कोई दोष नहीं था, बस स और शा वो आपने बताया तो वो जायज मानते हैं हम, उसको आप थोड़े अभ्यास के साथ सुधार सकते हैं। अब पहले तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के सबसे बहुत क्षमा मांगती हूँ कि ओम जी ने ऐसा काम मुझे आज सौंप दिया था कि न चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा, और आप लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देखा है पूरे एक घंटे से मैं सुन रहा हूँ, आपने जिस प्रकार से व्याख्या की है तो एक विदुषी के सामने मैं बैठ रहा हूँ और यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है, एक बहन जो है इस प्रकार से व्याख्या कर रही है और रामायण के प्रति लोगों को मानस के प्रति जागरूक करना और शुद्ध उच्चारण करवाना ये सामान्य कर्म की बात नहीं है, बहुत प्रतिष्ठा की बात है और हमारे लिए बहुत ही मतलब अपने लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसमें जुड़ रहा हूँ और बोलने का अवसर मिला है मुझे। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बहाने इतनी सारी सुंदर चौपाइयां आप लोगों के पठन से मुझे सुनने को मिली, बस मेरे लिए तो इतना ही सौभाग्य बहुत है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सबका हमारा मार्गदर्शन किया और हम लोग बहुत अनुग्रहित है और अच्छे से आपने बताया, और सबसे अच्छा जो आपने बताया जो कृपा और कृपा का अंतर बताया जो कि बहुत लोग करते हैं और खासकर जो हमारे वेस्टर्न इंडिया से ये गलतियां आती हैं वो तो चलिए वहाँ का वो तरीका नहीं, वहाँ का तो देखिए वो उच्चारण ही वैसा ही है। हाँ हाँ, तो कृपा मतलब उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं जी। कृपा हम कृपा बोलते हैं यहाँ पे सीधा, कृपा सीधे सीधे ऋषि शब्द जो है ऋषि शब्द, ऋषि का ही ऋ जाके वहां लगता है, ऋषि जो हम लोग पढ़ते हैं ना जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वो ऋ लगता है जाके। मैडम नमस्कार, और आपने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या ये कि ग्रह अलग है और ग्रह अलग है, ग्रह तो घर हो गया और ग्रह वो हो गए ग्रह शांति वाला है जिसे हम प्लैनेट एग्जैक्टली, तो ये जो आपने उसका व्याख्या की है डिफरेंशिएशन किया है बहुत अच्छा किया है,
समझने में आसानी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा समय हो तो मैं ले लूं, मैं पढ़ के देखूं। सुनीति जी, नहीं समय नहीं है इस वक्त, कृपया आप अगली बार के लिए देखिए। सर मेरी एक क्वेरी थी बस केवल। हाँ जी, क्वेरी के लिए कोई प्रश्न हो तो विनीता जी को बहुत तंग किया जाता है। मैं तो ये मानिए कि मैं तो जीरो पे हूँ अभी, मतलब जो शून्य पे छात्र होता है ना उस स्थिति पे हूँ अभी। इस चीज को लेके मैंने पढ़ा बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से मैम बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए छंद दोहा और सोरठा में अंतर भी करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये समझिए कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनमें फर्क क्या होता है और उनको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अभी सुना तो है मैंने, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा उनका वो बता दिया जाए। देखिए, आपका तो नाम देख के वैसे ही हम डर रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज गौर। मैं तो बता दिया ना, मैं तो वो छात्र हूँ जो शून्य पे है, नर्सरी का छात्र हूँ, एलकेजी का। अगर आप शून्य में है तभी तो हम लोगों ने एडमिशन भी नहीं लिया है। नहीं मैम, एलकेजी का स्टूडेंट हूँ आपके आगे मैं, सच बताऊँ इसमें जो है। बिल्कुल नहीं, प्लीज, ये मुझे छंद की कोई ज्ञान नहीं है, मुझे छंद का सच कह रही हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये जो आज हमको यहाँ बैठा दिया गया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अवधि बहुत नीक बोल रहे थे, जितना का होता अवधि में बतला ले बे, और अवधि बोले वाले इनका लखनऊ में गवार कहा जाता है, तो अब गवानन से आज प्रकाश ले रहे हो, अब बताओ गवान कितना पढ़ा पाई है आप, कहते ज्यादा पढ़ा पाई है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि अवधि मतलब अवधि में और इसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है, वो भी नहीं पता था, वो आज आपसे पता चला है, सच बताऊं मतलब है ना। तो मैं केवल सुन ही पा रहा था, लेकिन मेरी बस इच्छा ये थी कि मुझे थोड़ा ये बेसिक पता चल जाए कि मुझे कैसे इसको करना। सोरठा पढ़ना तो हमने बता दिया था, और बाकी दोहा और सोरठे का फर्क ओम जी ने पिछली कक्षा में बताया है, वो आप वीडियो में सुनिएगा, बहुत अच्छा उन्होंने बहुत डिटेल से बताया। उतने तो हमको छंदों की सच कहते कोई नॉलेज नहीं, हमने सुन सुन के इन क्लासों में सीखा है कि चौपाई की क्या परिभाषा है, दोहे की क्या है, सोरठे में तो बचपन से हमारे तो गांव में लोग पढ़ते हैं और एकदम शुद्ध पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ इतनी है कि रामचरितमानस पढ़ना आवत है, हाँ आवत है, तो बहुत पढ़ाई हो गई उनकी, तो बस वही सुन सुन के हमको ये आता है कि घर में सब पढ़ते थे, हमहू सुना हमहू पढ़ ले थे बस। और जो अगर साहित्यिक विवेचना करे लगे हो तो हम ना करे पाइबे, हमका उतनी नॉलेज है नहीं। जय श्री राम विनीता जी, जय श्री राम सबको। पूरा जो हमारी पूरी वैतरणी पार हुई है तब आए हैं आप। हरिओम सुमन। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं पूरा कार्यक्रम यहाँ सुन रहा हूँ, ऑस्टिन में हूँ, और आपने बहुत अच्छे तरह संचालन किया, तो सबसे पहले तो विनीता जी के लिए तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छा हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, और आप सबका धन्यवाद आज इस सेशन को जो है, और मुझे सुना तो मैंने सारा पर मुझे खेद है कि मैं भाग नहीं ले पाया। तो आपको क्या लगता है, इस तरह के सेशन की और आवश्यकता है? बिल्कुल है। विनीता जी, आप जैसी गवार से बार बार सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। हरिओम। ये ओम जी का वीडियो कहाँ पे मिलेगा, जो उन्होंने छंद और दोहा सोरठा के बारे में बताया, उसका वीडियो कैसे मिलेगा हम लोग को? क्या तो लिंक डाल दिया है ग्रुप में, अभी है डाल दिया है, दोबारा डाल देंगे। हाँ जी, अभी है क्या लिंक है? प्लीज फिर से पोस्ट कर देंगे वो लिंक। हाँ जी बिल्कुल पोस्ट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है इसमें काफी रुचि है, तो इस सेशन को और आगे मेरे ख्याल से नियमित कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे गुरु भी मिल गई हैं हमें पढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु कांड कर सकते हैं क्यों साहब? तो तब हम इसको दोबारा और दोबारा फिर इसको नियमित इसका मेरे ख्याल से हम अभ्यास करेंगे तो हमारा उच्चारण सुधर जाएगा। हाँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने को एसेस करने का मौका मिले। हाँ, जी, 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 जी। बहुत सुंदर। मैं बोल रहा हूँ कि क्या काम कर सकते हैं अगर मौका मिले, सबकी सहमति बने। हाँ करते, हम नियमित इस तरह के पाठ करते रहते हैं, हर मंगलवार को संक्षिप्त रामायण का पाठ होता है, उसकी जानकारी बाद में पोस्ट करेंगे, यहाँ पर आप उसमें जुड़ सकते हैं। अभी नवपारायण का यहाँ पे पाठ करेंगे,
सुंदरकांड का पाठ पहले कई बार कर चुके हैं, फिर दोबारा करेंगे, भगवान का जितना पाठ हो जाए उतना अच्छा। सो बस आज के कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विनीता जी को विशेषकर धन्यवाद, इतना सुंदर उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, विदुषी हैं आप सब जानते ही। फिर एक बार क्षमा लेकिन हम जरूर मांगते हैं, जिन जिन को टोका है हमें छोटा समझ जो कहा बहुत हमारे भले के लिए कहा, बहुत अच्छा समझाया, अच्छे से समझाया, सबसे बड़ी बात तो ये है आपने गलती नहीं बताई, हमारा मार्गदर्शन किया बल्कि। आपसे विदा लेता, थैंक यू जी, धन्यवाद। भाई स्तुति करके शांति पाठ अपने विदा लेते वक्त, ओम सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, ओम शांति शांति शांति, जय श्री राम।